आने के लिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग इस मीटिंग से काफी कुछ सीख के जाओगे, है ना। मतलब ऐसा है कि लिंक्डइन के बारे में काफी सारे लोगों को पता नहीं है क्या है कैसे है, तो मैं आज मतलब काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। मैंने कुछ प्रिपेयर भी किया है, राइट, तो स्लाइड भी मैंने प्रिपेयर किया, तो सारी चीजें आपको धीरे धीरे बताऊंगा, राइट। और सबसे पहले बता दूं कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हम लोग लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी सीखते हैं, वो यार थियोरिकल पोर्शन नहीं है जिसको हम एक पीपीटी के थ्रू समझेंगे। हम इसको पूरी तरह प्रैक्टिकली प्रोफाइल पे जाके समझेंगे, राइट। पूरा प्रैक्टिकल है, हमें क्या करना है, प्रोफाइल पे जाके सारी चीजों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को जो पॉइंट अच्छा लगता है प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसका इम्प्लीमेंट करिएगा, राइट। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, हेलो सर, स्क्रीन विजिबल है? हेलो, स्क्रीन चैट बॉक्स में बताइए प्लीज, स्क्रीन विजिबल है क्या? यारुण जब अब या बोली बोली राइट या विजिबल है हाँ, विजिबल स्क्रीन है राइट विजिबल है ना सर? ओके, देन मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना क्लियर करना चाहूंगा कि जो लिंक्डइन है ना, वो अदर प्लेटफॉर्म से बहुत इफेक्टिव है। लाइक जैसे कि हम लोग यूज करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, सारे लोग यूज करते हैं उसको, राइट। लेकिन लिंक्डइन बहुत कम लोग यूज करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए, रिजल्ट ओरिएंटेड है लिंक्डइन दैट कंपेरिजन फेसबुक, इंस्टाग्राम। एक्चुअली होता क्या है ना कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ऐसे लोग रहते हैं, मतलब काफी सारे ऐसे अनएजुकेटेड पर्सन भी रहते हैं जिनको कुछ भी चीजों की मतलब ऐसा है कि बात करने का भी नॉलेज नहीं है, ऐसे कुछ काफी सारे लोग रहते हैं। तो उसमें होता क्या है ना, हमें प्रॉपर अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल पाता है, राइट। और वहाँ पे हम लोगों का मैक्सिमम टाइम वेस्ट होता है। और एक चीज और है कि अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम से लीड्स जनरेट किए हो ना, तो उसको कन्वर्ट करने में आपको ज्यादा टाइम लगता है दैट कंपेरिजन लिंक्डइन की। लिंक्डइन पे लोग जो रहते हैं वो अपने टाइम की वैल्यू समझते हैं, राइट। और वो अगर आपके बिजनेस बहुत अच्छा है, उनको समझ में आ गए, राइट, बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं ना। जैसे ही उनको सारी चीजें क्लियर हो जाता है, वो बहुत जल्दी आपके साथ स्टार्ट करेंगे। तो ये जो लिंक्डइन है, इसमें लोग क्या रहते हैं, लोग प्रोफेशनल होते हैं दैट कंपेरिजन फेसबुक और इंस्टाग्राम से, है ना। तो यहाँ पे सारे लोग एजुकेटेड होते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को वर्क करना कैसे है, एक्चुअली ना काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार यहाँ पे तो प्रोफेशनल लोग ही रहते हैं ना, तो हम इसको अपने बिजनेस में कैसे लाएंगे। ऑलरेडी वो लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो हम कैसे उसको अप्रोच करें, राइट। तो ये सारी चीजों के आपके क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको क्लियर करूंगा। बस आप लोगों को करना यह है कि इस वेबिनार में लास्ट तक बने रहिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिंक्डइन पे आप लोगों को मतलब कुछ चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है कि आप लोग अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अगर आपने प्रोफाइल बनाया है, अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज किया है, तो उसमें तो आप कुछ भी चीजें डाल सकते हो। बट यार लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से और मतलब अच्छे से डालना है, राइट। सारी चीजों को सोच समझ के डालना है कि आप क्या क्या डाल रहे हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि अपना, मान के चलिए कुछ भी, जैसे कि अभी आप लिंक्डइन की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है ना, अपना एक अच्छा सा प्रोफाइल फोटो लगाना है, राइट। एक अच्छा सा प्रोफाइल पिक जिसमें आप प्रोफेशनल लगो, राइट, तो उसको लगाना है। और आपका फेस क्लियर होना चाहिए, है ना। काफी लोग मतलब फुल मतलब फोटोज डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करिए। हाफ फोटो डालिए, आपका फेस क्लियर होना चाहिए। मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अदर वेबिनार में भी ये चीज क्लियर किया है कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी होता है ना। और ये ट्रस्ट फैक्टर के लिए आपको अपना फेस दिखाना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया में अपने प्रोफाइल पर फोटो रखना ही होगा, राइट। तो ये चीजें हैं कि आपको अपना प्रोफाइल फोटो लगाना है सबसे पहले, है ना। सेकंड आपको क्या करना है, अपना कवर फोटो लगाना है। देखिए मैंने कवर फोटो लगाया किस तरीके से। अब इसको एक बात और है कि अगर आप लिंक्डइन को सिंपल मोबाइल से यूज कर रहे हो ना, तो आप उसका कवर फोटो वहां पे नहीं डाल सकते। उसके लिए आपको पीसी का यूज करना पड़ेगा, राइट, आपको सिस्टम का यूज करना पड़ेगा, तब कवर फोटो आपका मतलब वहां पे अपलोड होगा, अदरवाइज नहीं होता है ना। तो आपको एक अच्छा सा कवर फोटो भी लगाना है जिससे लोगों मतलब आप प्रोफेशनल लगोगे और ज्यादा प्रोफेशनल लगोगे कवर फोटो और प्रोफाइल फोटो दोनों के साथ, राइट। जैसा कि मैंने मैंने डाला हुआ है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब सबसे मतलब ऐसा है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट अब से शुरू होता है। सबसे पहला क्या है, आप लोगों को अब एक एक चीजें क्लियर करते हैं, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे देखिए नाम है, राइट। ओके, सबसे पहला है नाम। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हो तो वहां पर कुछ भी चीजें डाल सकते हो, बट लिंक्डइन पे आपको अपना रियल नेम ही यूज करना है, अपना रियल नेम ही यूज करना है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है।
सेकंड पॉइंट आप देखिए, सेकंड पॉइंट में मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए इसको आप देखिए, मैंने क्या किया, सोशल मीडिया मार्केटर, राइट, मैंने क्या किया, सोशल मीडिया मार्केटर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनिक लीड जनरेशन एक्सपर्ट। दैट मीन्स कि आपकी जो एक्सपर्टीज है ना, उसको आपको पॉइंट में लिखना है, वहां पे पॉइंट में मतलब एक हेडिंग करके लिखना है। इससे होगा क्या, ये जो रहता है ना, अभी मैंने जो आपको ये चीज क्लियर किया है, ये क्या होता है ना, एक कीवर्ड की तरह काम करता है। आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग एक कीवर्ड सेलेक्ट करना है। वो कीवर्ड से होता क्या है कि मान के चलिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पे डाला ऑर्गेनिक लीड जनरेशन एक्सपर्ट या फिर सोशल मीडिया मार्केटर, अगर कोई पर्सन सर्च बॉक्स में सर्च करता है सोशल मीडिया मार्केटर या ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, तो होगा क्या, वहां पर मेरा प्रोफाइल वहां पे शो होना शुरू हो जाएगा, है ना। मतलब आपको कीवर्ड चूज करना है उसको अच्छे से, और उसको वहां पे लिखना है। इससे होगा क्या, आपकी प्रोफाइल विजिबिलिटी बढ़ेगा और सर्च लिस्ट में आपका नाम आना शुरू होगा। सबसे पहला पॉइंट है, आपको अपना जो कीवर्ड है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है ना। सेकंड आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे सेकंड मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाला जो है ना अपना पोर्शन, राइट, इसको मैं आगे आपको और क्लियर करूंगा कि इसको आप एड डाउन कैसे करोगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, फोर्सेज ऑनलाइन अर्निंग, और मेरा है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर। दैट मीन्स कि आप जिस करेंट मतलब प्लेटफॉर्म पे हो, अभी वर्किंग कर रहे हो, उसको आपको शो करना है, साथ में आपके कॉलेज या फिर जो भी आपने स्टडी के लिए जो भी अभी यूज कर रहे हो करेंटली जो भी, या फिर मतलब प्रीवियस आपने उसमें मतलब पढ़ के निकल गए हो, राइट, तो उस चीज को भी मेंशन करना, जो भी स्कूल कॉलेज है उसको, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए लोकेशन है रायपुर छत्तीसगढ़, है ना। तो इन सब चीजों को मैं आपको क्लियर करूंगा कि आप एडिट कैसे करोगे। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है नाम, आपको नाम लिखना है ना। उसके बाद लास्ट नेम है तो आपको लास्ट नेम लिखना है, ओके। उसके बाद ये देखिए हेडलाइन, राइट, ये हेडलाइन है, ऐसे आपको हेडलाइन लिखना है, फिर एजुकेशन लिखना है ना। इन सब चीजों को मतलब इन सब चीजों को डालना जरूरी है। अगर आप इन सब चीजों को छोड़ दोगे ना, तो ये इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं है कि आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन में आपके प्रोफाइल मतलब ग्रो होना शुरू होगा, ऐसा नहीं है। आपको सारी चीजें अच्छे से डालना है, राइट। उसके बाद मैं नीचे लेके चलूँ तो देखिए यहाँ पे इंडिया है, फिर ये लोकेशन है ना, तो सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से फिल करना है। और इंडस्ट्री देखिए मैंने कुछ डाला हुआ है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, सारी चीजों को आपको फिल करना है, राइट। अभी मैं बैक लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिए ये चीज बहुत जरूरी है, यहाँ पे क्या है, अबाउट इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसा है कि देखिए आप फेसबुक इंस्टाग्राम का अगर यूज करोगे तो बायो बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है ना, उसमें आपको एक लिमिट मतलब लेटर दे दिया जाता है कि उतने में ही लिखना है। बट यहाँ पे क्या है, देखिए आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे समरी के लिए इतना सारा स्पेस दिया हुआ है ना, आपको क्या करना है, जो जो चीज आप कर रहे हो या फिर प्रीवियस टाइम में आपने किया था, उन सबको यहाँ पे मेंशन करना है। लाइक आपके कुछ अचीवमेंट्स है ना, कुछ डिग्री है जो आपने कंप्लीट किया है, कुछ अभी कर रहे हो करेंट में, है ना, और इन फ्यूचर मान के चलो कुछ करना भी चाहते हो उसको भी शो करना है। इसमें होगा क्या, इसको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना है, राइट। इससे होता क्या, देखिए सारे लोग एजुकेटेड पर्सन है, जब आएंगे यार तो डेफिनेटली अगर आप उनको अप्रोच कर रहे हो या फिर वो आपके प्रोफाइल में आ रहे हैं, तो आपका प्रोफाइल अच्छा होगा तभी वो आपको कांटेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि कुछ लोग शो ऑफ करने वाले होते हैं, राइट। तो इन चीजों को आपको मतलब अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, समझना है कि आप किस किस फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल किए हो और क्या क्या चीजें आपने किया है, उसको आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना है, राइट। देखिए मैंने जो भी चीजें यहाँ पे लिखा है, आप होप इतने टाइम तक आप लोगों ने इसको पढ़ भी लिया होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने और कुछ कनेक्शन के लिए अपने फेसबुक और यहाँ पे देखिए फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है कि अदर प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से होगा क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पे शो किया है ना यार कि मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, तो डेफिनेटली वो मेरे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी देखेंगे, इसीलिए मैंने उसको वहाँ पे शो किया है ना, लिंक दिया हुआ है। तो आप लोगों को भी ये सारी चीजें करना है, सबसे पहले अच्छा सा अपना समरी लिखिए, है ना, उसके बाद फिर अपना लिंक वगैरह दीजिए यहाँ पे, उसके बाद उसको सेव करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये जो है ना अपना ऑल स्टार, आप इसको देख सकते हो, ये जो है ना ऑल स्टार, राइट। ऑल स्टार दैट मीन्स होता क्या है, आपको क्लिक करके दिखाता हूँ मैं, ठीक, वेट, ओके, जस्ट वेट। देखिए ऑल स्टार मतलब होता क्या है, यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो है ना पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको सारी चीजें फुलफिल करना है, मतलब अपना प्रोफाइल फोटो डालना है, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड बताना है, अपना लोकेशन बताना है, आप करेंट सिचुएशन में क्या कर रहे हो,
उस चीज को मेंशन करना है, कौन से इंडस्ट्री पे वर्क कर रहे हो उसको बताना है, अपना समरी जो मैंने अभी बताया ना अबाउट, है ना, तो अपना समरी देना है, तब कहीं जाकर के 5 स्टार आपका पूरे तरह से ये होगा, अदरवाइज 5 स्टार नहीं होगा। आपको क्या करना है, सारी चीजों को फुलफिल करना है राइट, अच्छे से, तब फिर कहीं जाके आगे मतलब होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, इसके नीचे आते हैं हम, है ना, इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है राइट, ये जो देखिए, जस्ट वेट, और यहाँ पे देखिए ये मेरा, मैंने क्या किया है इसको एज अ वर्किंग की, मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ, मैंने अपने प्रोफाइल पे मेंशन किया हुआ है, कब से स्टार्ट किया था मैंने, अगस्त 2020 से, मतलब मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया था फोर्सेज को, उससे पहले मैंने इसको डाल दिया था। क्यों? क्योंकि यार एक चीज है कि अगर आप न्यूली ज्वाइन किए हो ना किसी चीज को, तो लोग उसको मतलब ऐसा लगता है कि आप मतलब अभी सीख रहे हो, लर्निंग स्टेज में हो, बट थोड़ा सा मतलब पहले से है ना, तो लोग इसको समझ जाते हैं कि हाँ आप काफी टाइम से इस पे वर्क कर रहे हो और डेफिनेटली आपको नॉलेज है इसके बारे में राइट। तो मैंने इसको काफी पहले ही डाल दिया था, लास्ट अगस्त से, है ना। उसके बाद आपको एक चीज और है यहाँ पे देखिए, ये मैंने अपने कॉलेज की कौन से सन से मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ, अभी 2020 में खत्म हुआ, तो मैंने उसको यहाँ पे मेंशन किया है राइट। तो इस तरीके से आपको भी इन चीजों को मेंशन करना है ना, यहाँ से आप एडिट करके आप डाल सकते हो, ये जो पेंसिल है वहां पे क्लिक करके सारी चीजों को देखिए यहाँ पे आप डाल सकते हो, है ना, कुछ चेंजेस करना है तो उसको भी चेंज कर सकते हो राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है ना। अभी ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर देखिएगा, ये वाला जो है अपना स्किल राइट, स्किल एंड एंडोरसमेंट, यहाँ पे आपको मिनिमम 4 स्किल आपका सेलेक्ट करना है। इससे होगा क्या, देखिए जब कोई पर्सन आपके प्रोफाइल में आता है तो उसको एज अ क्विज उनको पूछा जाता है कि आप अरुण साहू को कौन से स्किल पे मतलब नो वोट देना पसंद करोगे राइट। मतलब ऐसा है कि वो एक स्किल आपका चूज करेगा वहां पे, कोई भी जो उनको पसंद आएगा, उनको लगेगा आपके प्रोफाइल को देख के कि हाँ अरुण साहू इस मतलब फील्ड पे अच्छे से लोगों को बता सकता है, कि वो मेरे प्रोफाइल देख करके अंदाजा लगा करके वोट देगा। तो उससे क्या होता है, आपकी प्रोफाइल थोड़ा सा और मतलब एडवांस में चला जाता है राइट, ज्यादा से ज्यादा अगर वोट मिल जाता है तो, है ना। तो ये चीजें है ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्किल कैसे ऐड करना है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से आप स्किल ऐड कर सकते हो, टॉप स्किल है ना राइट, यहाँ से सिंपल सर्च भी कर सकते हो, एडिट भी यहाँ से एडिट कर सकते हो, है ना, कुछ भी चीज सेलेक्ट करके ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कॉल टू एक्शन, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो तो वहां पे कॉल टू एक्शन आपको एक देना ही पड़ेगा कि यार हमारा जो कस्टमर है, जो लीड्स है, वो हमें मतलब इजिली कम्युनिकेट कर पाए, इजिली हमसे कॉन्टेक्ट कर पाए राइट। तो यहाँ पे आपको अपना ये देखिए, मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है ना, और यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है राइट। तो आपको क्या करना है, वहां पर ये चीजें शो करना होगा, और इन चीजों को मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, प्राइवेसी में डाल देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, इसको पब्लिकली करना है ना, और अपने प्रोफाइल को भी लॉक नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, अपने प्रोफाइल को लॉक कर लेते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है ना, आपके प्रोफाइल पे विजिबिलिटी आता ही नहीं है, आपने प्रोफाइल लॉक कर दिया तो आपके प्रोफाइल को देखेगा कौन राइट। तो आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल को पब्लिकली करना है पब्लिकली करना है, जिससे लोग आपके प्रोफाइल पे आए, उसको विजिट करे, स्टार दे आपको, है ना। तो इससे होता क्या है, आपका प्रोफाइल और मतलब एक तरीके से मतलब सर्च लिस्ट में आना शुरू हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया ना, ये जो टॉप स्किल वाला, यहाँ पे जो टॉप स्किल पे मैंने बताया, लाइक जैसे डिजिटल मार्केटिंग पे 3 वोट आया है मुझे, ठीक है, यहाँ पे देखिए डिजिटल मार्केटिंग पे यहाँ पे देखिए 3 वोट मिला है मुझे, दैट मीन्स कि अगर कोई पर्सन डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है तो पहले इसमें आएगा, डिजिटल मार्केटिंग में मेरा मतलब कोई भी सर्च करेगा तो मेरा प्रोफाइल आ जाएगा राइट। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग में, फिर सोशल मीडिया में राइट। तो इस तरीके से होता है ओके। और यहाँ पे देखिएगा एक चीज और है, ये चीज देखिए राइट, यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि आपके प्रोफाइल को कितने लोगों ने अभी तक विजिट किया है ना, और कितने पोस्ट व्यू हुआ है, और कितने यहाँ पे सर्च अपियरेंस है राइट, ये सारी चीजें यहाँ पे शो हो रहा है ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना है। देखिए कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हो तो सबसे पहले यार प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। जब तक आप प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, किसी को अप्रोच करोगे तो कौन आप पे ट्रस्ट करेगा। आपको प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है कि ऐसे लगे लोगों को कि बस आपके प्रोफाइल में आ गए मन का मतलब, उनको किसी भी चीज के लिए ट्रस्ट के इश्यू ही नहीं है। जैसे कि आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके देखोगे तो ऐसा है कि किसी को ऐसा लगेगा नहीं कि ये बंदा कुछ अलग मतलब कुछ फ्रॉड करता है, ऐसा नहीं,
पूरी तरह 110% उनको ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ ये बंदा जेन्युइनली वर्क कर रहा है, राइट। तो आपको भी कुछ ऐसे ही अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। अभी देखिए यहाँ पे ना अपने लिंक्डइन है, वहां पे एक नया अपडेट आया है स्टोरी का, पहले स्टोरी नहीं था, अब क्या है जैसे हम फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे स्टेटस या स्टोरी डालते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी डाल सकते हैं, राइट। यहाँ पर भी आप इस चीज को यूज करिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको यूज करिए है ना, इस तरीके से यहाँ से आप डाल सकते हो, राइट। ओके है ना, यहाँ से आप स्टोरी डाल सकते हो। अब स्टोरी भी कैसे डालना है, कई लोग क्या करते हैं अर्निंग वगैरह के स्क्रीनशॉट वगैरह डाल देते हैं, लेकिन यार ये काम करता है आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे लिंक्डइन पे लोग लालची नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको आपकी स्किल, आप कुछ चीजें लोगों को लर्न मतलब सिखा सकते हो, ऐसे आपको स्टोरी पे डालना है, राइट। यहाँ पे हमें कुछ भी चीजें ऐसे ही नहीं डालना है जो हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, हमें यहाँ पे प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। ये प्रोफेशनल लोगों की ही मतलब प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ऐरे गैरे लोग नहीं रहते हैं, तो आपको भी ऐरे गैरे लोगों की जैसे हरकत नहीं करना है, हमें क्या करना है प्रोफेशनल बनना है, राइट, प्रोफेशनली वर्क करना है। ओके, उसके बाद मैं आप लोगों को अब कुछ चीजें और बताता हूँ है ना। सबसे पहले यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है, मैनेज नेटवर्क, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये चीजें सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे है ना। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये है अपना कनेक्शन, कि टोटल कितने लोग आपके कनेक्शन में है, अभी 7600 है ना। अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए ये है कनेक्शन, राइट। अब यहाँ पे आप लोगों को सर्च करके देख सकते हो है ना, यहाँ से आपके कनेक्शन में यहाँ पे जाके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, राइट, यहाँ से आप मैसेज कर सकते हो। ओके, अभी इनके प्रोफाइल को विजिट करना है आपको, ये देखिए है ना, ये यहाँ पे इनका प्रोफाइल है, आप इसको देख सकते हो है ना, सारी चीजों को इनके देखिए। मैंने कहा था ना चार स्किल, ये वाला जो है विट, ये जो चार स्किल, राइट, तो इसमें आप इनको वोट दे सकते हो किसी भी एक स्किल पे है ना। तो ये चीजें है कि आपको भी ये सब मेंशन करना है, लाइक मैंने डाटा एंट्री का दे दिया इनको, ठीक है, ऐसे ही। उसके बाद हाईलाइट वगैरह करना है कुछ भी चीजें, देखिए आप सारी चीजों को चेक कर सकते हो उनके प्रोफाइल पे है ना, लैंग्वेज वगैरह जो भी एक्सपर्टीज है। और इन्होंने देखिए अपना मोबाइल नंबर तो नहीं दिया है, ईमेल आईडी दिया है, राइट। तो इस तरीके से आपको भी सारी चीजें देना होगा, वहां पे इंफॉर्मेशन देना होगा, राइट। ये है सिंपल, आप कनेक्शन यहाँ से देख सकते हो, लोगों के प्रोफाइल विजिट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। सेकंड आप देखिए ये टीममेट्स वाला मैंने अभी तक बनाया नहीं है। जब आपका एक मतलब कुछ वर्क कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें जब आपका ग्रुप हो जाता है ना, तब वो टीममेट्स बनता है ना। तो मैंने अभी उसको बनाया नहीं है, राइट। अभी देखिए यहाँ पे हैशटैग यूज किया है, पता है आप ना, हैशटैग पे यूज लेके चलता हूँ। हैशटैग अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे यूज करोगे तो आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आपको यहाँ पे मिलेगा, कैसे बताता हूँ। देखिए एक है ओपन टू वर्क हैशटैग, ठीक है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए एक चीज दिखाता हूँ आपको, ये चीज देखिएगा। ओके, जस्ट वेट वेट, देखिए इन्होंने हैशटैग क्या क्या यूज किया है, ओपन टू वर्क है ना। और इस हैशटैग को फॉलो करने वाले कितने लोग हैं, यहाँ पे देखिए इतने सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इस हैशटैग को इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हैशटैग को जो जो लोग फॉलो कर रहे हैं ना, उनके पास ये जो पोस्ट है विजिबल हो रहा है, यहाँ पे जो पोस्ट है ना, यहाँ पे जो पोस्ट है ना देखिए, ओके सॉरी, ओके देन देखिए यहाँ पर ओ, कि जस्ट वेट वेट वेट, यहाँ पे देखिए ये जो पोस्ट है ना, ये पोस्ट अभी इतने सारे लोगों के पास आएगा, मतलब ऐसा है कि ये जो पोस्ट है, यहाँ पे हम हैशटैग यूज करते हैं ना सिर्फ एक हैशटैग, वहां पे हम 30 हैशटैग यूज करते हैं, बट यहाँ पर एक रिलेवेंट हैशटैग, और वही हैशटैग आपके पोस्ट की विजिबिलिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, राइट। तो सॉरी, आपको क्या करना है यहाँ पे, हैशटैग रिलेवेंट हैशटैग का यूज करना है और उसको फॉलो करना है। जैसे कि मैंने देखिए अभी दिखाता हूँ मैं टोटल कितने हैशटैग फॉलो किया, 67 हैशटैग फॉलो किया है, राइट। अभी यहाँ से देख सकते हो सारे हैशटैग को, कि मैंने कौन कौन से अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जितने भी हैशटैग है सबको मैंने फॉलो किया है ना। तो आप लोगों को भी कुछ हैशटैग वगैरह फॉलो करना है, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है लिंक्डइन में, अगर स्पेशली बात करूँ तो बहुत ज्यादा। सिर्फ एक हैशटैग का यूज करना है और आपकी प्रोफाइल आपकी पोस्ट की विजिबिलिटी इतने लोगों तक जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते, जितने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं अप्रोक्स उसका 50% लोगों तक जाएगा वो, राइट। तो आपको क्या करना है, हैशटैग पहले फॉलो करिए और उसी हैशटैग पर आप पोस्ट करिए है ना। दूसरा यहाँ पे है कंपनीज, कंपनीज 76 कंपनी को मैं फॉलो करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे कुछ कंपनीज है ना जिसको मैं फॉलो करता हूँ, राइट।
ये जो कंपनी है इसको मैं क्यों फॉलो करता हूँ, यहाँ से भी मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है, कुछ डिजिटली है। देखिए हर एक जितने भी कंपनी है वो भी एक डिजिटल फील्ड से ही रिलेटेड है, तो मैं क्या करता हूँ उसको फॉलो करता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ अलग नॉलेज मिलता है। कभी कभी मेरे यहाँ पे फ्रंट पेज में, होम पेज में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से आ जाता है, राइट। इसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट है ये ग्रुप, पता है इंस्टाग्राम पे तो ग्रुप रहता ही नहीं है, लेकिन फेसबुक में रहता है, और फेसबुक में जो ग्रुप रहता है उसमें धूर्त लोग रहते हैं, है ना। वहाँ पे रिजल्ट आता नहीं है अगर आप कुछ चीज पोस्ट करोगे तो, बट यहाँ पे ऐसा एक ग्रुप कि यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग टाइम पास करने के लिए नहीं यूज करते हैं इसको, जो भी लोग यूज करते हैं वो लोग मतलब ऐसा है कि कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ ना कुछ नॉलेज लेने के लिए इसको फॉलो कर रहे हैं, इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, राइट। तो देखिए ग्रुप मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप में देखिएगा पार्टिसिपेंट कितने लोग है, 66,000 है, राइट। अभी ग्रुप का नाम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, मतलब जितने सारे लोग हैं ना यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, और आपको उसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगा, पोस्ट मिलेगा, है ना। तो ये चीजें आपको क्या करना है, ग्रुप भी फॉलो करिए। उसके बाद इस ग्रुप में ना सबसे बड़ा बेनिफिट ये है पोस्ट का, यहाँ पे क्या करिए आप, या तो आर्टिकल लिख सकते हो, या फिर फोटोज वगैरह डायरेक्ट मतलब डाल सकते हो, या फिर पीडीएफ वगैरह भी, यहाँ पे ऑप्शन हर चीज का आता है। देखिए यहाँ पे जितने सारे है ना, यहाँ पे देखिए ये जो इतने सारे है ना, ये पूरे के पूरे आप यूज कर सकते हो, है ना। तो इन सब का यूज करके आपको पोस्ट डालना है ना। तो ये होता क्या है ना, ये जो ग्रुप है बहुत ज्यादा रीच देगा आपके पोस्ट को। दैट कंपेरिजन अगर मैं फेसबुक की बात करूँ तो वहां पर आपके पोस्ट कहीं ज्यादा लोगों तक नहीं जाता है, बट यहाँ पर अगर आप इस ग्रुप में पोस्ट करोगे तो डेफिनेटली 50% लोगों तक आपका पोस्ट जाएगा ही जाएगा। बट कंडीशन इज दैट कि अगर आप कुछ भी चीजें ऐसे ही डाल दोगे ना तो वो आपको ग्रुप से रिमूव कर देगा, राइट। ग्रुप से रिमूव कर देगा क्योंकि उनको फालतू की चीजें करना पसंद नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग इस ग्रुप में ज्वाइन है सारे के सारे लर्निंग के मतलब पर्पज से इसको ज्वाइन किया है, राइट। तो है क्या मतलब करना क्या है आपको, लाइक जैसे कि कुछ पोस्ट वगैरह कर रहे हो ना तो उसको रिलेवेंट रखिए, ऐसा कि लोगों के लिए वो काम के हो, ऐसा ही कुछ भी चीजें पोस्ट मत करिएगा, ओके। ऐसे कुछ ग्रुप आप ज्वाइन करिए। देखिए मैंने अभी तक इतने सारे ग्रुप को ज्वाइन किया है ना। तो इसका हर एक ग्रुप का मुझे अलग बेनिफिट मिलता है, ठीक है। उसके बाद न्यूज़लेटर्स है, न्यूज़लेटर्स दैट मींस कि होता क्या है, इसमें आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसे कि एक चीज मैं बताता हूँ, द मार्केटिंग मिनट मिनट है ना, इसमें होता क्या है, जैसे कि मैं किसी इसको क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में मुझे न्यूज मिल के आ गया यहाँ पे, राइट। ये है इसका इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट मैं ब्लॉग पोस्ट पे चला गया, इसका इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। तो ऐसे ही आप भी वहाँ पे कर सकते हो, है ना। तो इसका अलग इन्फॉर्मेशन आपको एक अलग बेनिफिट मिलता है, लाइक जैसे कि टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैंने तो मार्केटिंग का मैंने इसको किया है ना, ज्वाइन किया है। और ये क्या है, स्ट्रेट टॉक टू लीडर फॉर लीडर्स, राइट। ये भी है अपना, मतलब यहाँ पे आपको ना ऐसे ऐसे ब्लॉग वगैरह पढ़ने को मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छे रहते हैं और एक्सपीरियंस मैन पर्सन लिखे हुए हैं ना। तो ये जो पोस्ट है, जो यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट है, वो आपको कुछ अलग लेवल की लर्निंग और नॉलेज देता है, पता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड करना है। अभी देखिए कनेक्शन बिल्ड करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, है ना, फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट डालते हैं, बट यहाँ पे इनवाइट करना है। जैसे आपका इन्विटेशन एक्सेप्ट करेगा वो आपके कनेक्शन में आ जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, कनेक्शन मतलब कनेक्शन सेंड करना है, इनवाइट इनविटेशन सेंड करना है, जिससे वो जब उसको एक्सेप्ट करेगा तो आपके कनेक्शन में आ जाएंगे। एक चीज और है, कल मुझे इंस्टाग्राम को पूरे 1 साल कंप्लीट हो गया, और पता है उसके मेरे प्रोफेशनल अकाउंट पे फॉलोअर कितने हैं, 2600 लोग, लेकिन लिंक्डइन को सिर्फ 4 महीने हुआ है और 4 महीने में 7,000 क्रॉस कर लिया है कनेक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंस्टाग्राम होते हैं ना उसमें छोटे लेवल के माइंडसेट वाले होते हैं, उन लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि यार मुझे लोग फॉलो करें, मैं लोगों को फॉलो मत करूं, राइट। फॉलोअर्स बढ़ाना है वहां पे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि यार साथ में मिलके ग्रो करते हैं। अगर आप उनको इन्विटेशन सेंड किए हो तो वो भी आपके इन्विटेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, और दोनों के दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, राइट। तो ये होता है कम्युनिकेशन का लेवल, कि यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है कि आपके मैंने मतलब आपको फॉलो नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि मतलब फॉलो और फॉलो बैक वाला सिस्टम नहीं यहाँ पे, राइट। आपको क्या करना है, यहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों तक आपको रीच आउट करना है, मैक्सिमम लोगों तक आपको पहुंचना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, यार देखो
जरूरत आपको है ना, बिजनेस ऑनलाइन आप कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो लोग आपको चाहिए, तो आपको ही रिच करना होगा ना। सामने वाले आकर क्यों आपको मैसेज करेंगे, क्यों आपको इनविटेशन रिक्वेस्ट देंगे, उनको तो जरूरत नहीं है, आपको है, राइट। तो आपको वही चीजें करना है, ठीक है। अभी मैं आपको स्क्रॉल करके कुछ चीजें दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि अगर कोई सिमिलर पर्सन है जिसको जानते हैं हम ना, तो उसका यहाँ पे शो कर रहा है ना। उसके नीचे यहाँ पे देखिए कि इंडस्ट्री से रिलेटेड लीडर्स, मतलब जिस जिस इंडस्ट्री को मैं फॉलो करता हूँ उसके रिलेटेड जो लीडर्स है ना, वो यहाँ पे शो कर रहा है, ये वाला जो है, राइट। यहाँ पे इससे प्रोफाइल को शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर से नीचे जाऊं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन इवेंट्स है, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए और है, काफी सारे ऐसे है कि इंडस्ट्री फाइनेंस से जो भी रिलेटेड है ना। उसके बाद आप स्क्रॉल करते जाओगे ना तो आपको और काफी सारी चीजें देखिए यहाँ पे, जस्ट वेट, यहाँ पे देखिए कुछ पेज भी मिलेंगे, इस पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो, जैसे मैंने किया है ना, वो पेज जो कि कंपनी के मैंने बताया था, तो ये पेज ही है जिसको आप फॉलो करोगे तो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगा, है ना। उसके बाद और स्क्रॉल करते हुए जाओगे तो देखिए यहाँ पे न्यूज लेटर्स मिलता है, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद और नीचे जाओगे तो देखिए ग्रुप्स है, इन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे ग्रुप्स है, उसको ज्वाइन करने के लिए अगर आपने इन्विटेशन सेंड कर दिया है तो अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तभी आप ग्रुप में ज्वाइन हो पाओगे, अदरवाइज नहीं हो सकते, है ना। तो ये चीजें, और यहाँ पे सजेस्टेड है कि सजेस्टेड लोग है जिनको आपको कॉन्टेक्ट करना है। ये तो मैंने सिंपल सा आप लोगों को ओवरव्यू दिया है, ठीक है। ये ओवरव्यू कैसा लगा आप लोग चैट बॉक्स में बताइए प्लीज, उसके बाद मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ, जस्ट ओके मतलब ओके, तो ओवरव्यू दिया है ना। अरुण मैं आपके लिए फीडबैक ले लेता हूँ। ओके, तो हाँ बिल्कुल अभी बिल्कुल, तक जो कुछ भी अरुण ने बताया दैट कि ये आपको कैसा लगा, बिकॉज मैं आपको बता दूं ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। ये आपका सोशल मीडिया नहीं है जहाँ पे आप अपनी रेलिवेंट पोस्ट पोस्ट करते हैं। यहाँ पे लोग ओपन माइंडेड लोग होते हैं, या तो जॉब सीकर्स होंगे या तो प्रोफेशनल्स लोग होंगे जो कि एचआर होते हैं किसी कंपनी के, बड़े बड़े, क्या पता किसी बड़े कंपनी का एचआर आपको अप्रोच कर दे दैट कि मैं आपके साथ में काम करना चाहता हूँ, मुझे ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करना है, बिकॉज लोग आज टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। तो आप मुझे बताओ दैट कि कैसा लगा। चैट बॉक्स में बताइए फिर टाइप करिए कैसा हाँ, लगा। बढ़िया अभी बढ़िया मेन टॉपिक बचा है ना, बढ़िया लास्ट बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा ये लोग तक रुकिए, रिस्पॉन्स दे मेन रहे टॉपिक बचा हुआ है। ओके हाँ हैं। या यारू ना, यू कैन कंटिन्यू। ओके, चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको जस्ट प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बता दिया, ठीक है, कि आप लोगों को कैसे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। अब सिंपल सा यार कि ये जो है ना अपना लिंक्डइन, उसमें आपको क्या करना है, पोस्ट करोगे ना तो ऐसे ही जैसे हम इंस्टाग्राम पे फेसबुक में कुछ भी चीजें करते हैं ऐसा नहीं करना है, आपको प्रोफेशनल बनना है और प्रोफेशनली ही पोस्ट करना है, राइट। आप आर्टिकल लिख सकते हो, आप कुछ चीज लोगों को सिखा सकते हो उसको डाल सकते हो, है ना। लेकिन कुछ भी चीजें कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना ही नहीं है, आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट डालना है, राइट। ओरिजिनल कंटेंट डालना है, उससे आपको एक अच्छा फीडबैक मिलेगा यहाँ से, ठीक है। अभी आप देखिएगा यहाँ पे नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन है, यहाँ पे नोटिफिकेशन है ना, तो मैंने आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ये चीज बताया था, इंस्टाग्राम पे तो खैर होता नहीं है, यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। क्या है देखिए, यहाँ पे है कुछ चीजें, ठीक है, इस चीज को आप अंडरस्टैंड करिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है ये आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए से कांग्रेस, राइट। इसको इनको क्या, अभी इन्होंने कोई पोजीशन ज्वाइन किया है, अभी अभी कोई न्यू पोजीशन ज्वाइन किया है, तो मैं क्या करूंगा, इनको कांग्रेस मतलब उनको बधाई दे दूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट कर दूंगा, राइट। तो इससे होगा क्या, सामने वाला पर्सन खुश हो जाएगा कि कोई अनोन पर्सन है जो उनके केयर कर रहा है, उनको अप्रिशिएट कर रहा है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, राइट। आपको क्या करना है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है ना। उसके बाद नीचे यहाँ पे सेकंड देखिएगा, एक और है यहाँ पे बर्थडे, जस्ट वेट वेट, यहाँ पे देखिए बर्थडे, राइट। आज इनका बर्थडे था, मैंने क्या किया, उनको बर्थडे विश किया है। अभी मैंने फेसबुक में एक चीज बताया था ना कि आपको बिना कोई मतलब ऐसा है कि विदाउट स्वार्थ के आपको लोगों की हेल्प करना है, उनकी केयर करना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ नोटिफिकेशन पे, मॉर्निंग में ही मुझे नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आज इन इन लोगों का बर्थडे है, मैं क्या करता हूँ उनको बर्थडे विश करता हूँ। ऐसा है कि लोगों के पास खुद के लिए टाइम नहीं है, राइट, तो यार दूसरों की कोई पूछता नहीं है, लेकिन आप अपना टाइम निकाल करके उनको बर्थडे विश कर रहे हो, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, तो आप सोचिए उस पर्सन को कितना अच्छा लगेगा। और हाँ एक चीज और मैं बोल दूँ कि ये जो बर्थडे विश कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो ना, इसके इस टाइम में आप अपने दिमाग में 1% भी मत लाइएगा कि ये मेरे बिजनेस में आ जाएंगे, ऐसे करोगे तो आपसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं होगा। आपको क्या करना है, एकदम सिंपल माइंडसेट के साथ लोगों की हेल्प करना है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करिए, अप्रिशिएट करिए, बर्थडे विश करिए,
इससे होता क्या है ना, आपको दिल से खुशी मिलेगा यार, दिल से खुशी मिलेगा। लेकिन अगर आप सेल्फिश अपने सोच के साथ जाओगे ना कि मुझे, मैं इनको बर्थडे विश करूंगा, ये मेरे बिजनेस में आएंगे, तो आपसे फिर लालची कोई नहीं होगा। राइट, आपको क्या करना है, मतलब ऐसा है कि लोगों की हेल्प करिए, केयर करिए। राइट, इस तरीके से सिंपल उनको बर्थडे विश करिए, है ना, तो इससे आपको एक अलग बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अभी एक चीज और क्लियर करता हूँ। देखिए, ये जो लिंक्डइन है, यहाँ पे तो काफी सारे लोग प्रोफेशनल होते हैं जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई, हम मान के चलो कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, अब कोई पर्सन है जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहा है, तो हम उनको अप्रोच कैसे करेंगे। राइट, ऑलरेडी कई लोग एचआर है, कुछ लोग मतलब वकील है, डॉक्टर है ना, सारे लोग यहाँ पे है। ऐसा है कि अगर आपको किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट की जरूरत है ना, तो आप यहाँ पे आ जाइए, कम्युनिकेट करके आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। राइट, तो ये है यहाँ पे सिस्टम। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें रिजल्ट कैसे लेके आना है। अब एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको ना ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड पर्सन लाइक जैसे कि डॉक्टर है, वकील है ना, और काफी सारे एचआर वगैरह है, तो इन लोगों को आपको अप्रोच करना ही नहीं है। राइट, इन लोगों को आपको अप्रोच करना ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने बिजनेस में, अपने जॉब में खुश है। वो लोग आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है, ऐसा लगता है उनको कि आप 2 करोड़ की बिजनेस कर रहे हो और वो कुछ बड़ा जॉब कर रहा है। माइंडसेट उनका ये रहता है ना, बहुत बड़ा जॉब कर रहा है, 50,000 1 लाख की सैलरी है उनका, तो आपके साथ आएगा ही नहीं। राइट, तो ये माइंडसेट होता है उनको, उन लोगों को नेगलेक्ट ही करिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ और चीजें दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप जॉब के नोटिफिकेशंस वगैरह देख सकते हो, कि अगर आपको किसी जॉब की तलाश है ना, तो आप यहाँ से डायरेक्ट जॉब के नोटिफिकेशन देख सकते हो। यहाँ पे आपको लिंक वगैरह सारी चीजें मिलेगा, ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। अगर वो जॉब आपका ऑनलाइन है ना, तो सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएगा, आपका इंटरव्यू वगैरह सब ऑनलाइन हो जाएगा, और आप काम करने भी लग जाओगे। यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आपको आपके फील्ड से रिलेटेड कुछ भी जॉब चाहिए ना, तो आप सिंपली सर्च कर सकते हो। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सबके लिए। लेकिन हम यहाँ पे जॉब मेंटेलिटी वाले नहीं है, बिजनेस मेंटेलिटी वाले हैं, तो बिजनेस की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, लीड्स जनरेट करना है मुझे, मेरे ही जैसे लोग चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए, सबसे पहले सर्च बॉक्स पे गया। राइट, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें सर्च किया। अब क्या सर्च कर रहा हूँ इसको देखिए, है ना, IIT। राइट, IIT स्टूडेंट, ओके, IIT स्टूडेंट मैंने सर्च किया, IIT स्टूडेंट। जस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आपको, जैसे कि ये पीपल है ना, कनेक्शन है। राइट, करेंट कंपनीज है, लोकेशन है ना, और मोर और फिल्टर्स में, है ना। तो सबसे पहले जब आप ये पीपल पे सेलेक्ट करोगे ना, तो आपको लोग दिखना शुरू हो जाएंगे, जो भी लोग हैं IIT के स्टूडेंट, है ना, सारे के सारे, जिनके भी प्रोफाइल में मेंशन किया, सबके सब शो होना शुरू होगा, है ना। ये हुआ सिंपल पीपल का, है ना। उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन, कनेक्शन दैट मीन्स, देखिए 3 टाइप के कनेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है। राइट, 3 टाइप के कनेक्शन। तो सबसे पहला कनेक्शन कौन होता है, जो ऑलरेडी आपके कनेक्शन में है, पहले से ही आपके कनेक्शन में है। सेकंड कनेक्शन कौन होता है, आपके कनेक्शन में जो है ना, उनके कनेक्शन में जो लोग है, वो आपके सेकंड कनेक्शन होते हैं। और थर्ड कनेक्शन कौन है, जो आपके कनेक्शन ना उनके, आपके फ्रेंड के कनेक्शन, किसी के कनेक्शन में नहीं है वो आपके, ये थर्ड डिग्री कनेक्शन होता है, मतलब थर्ड कनेक्शन होता है। राइट, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थर्ड वाले पे सेलेक्ट करिएगा, वेट, थर्ड वाले पे सेलेक्ट करिए, सो रिजल्ट पे क्लिक करिए। अब क्या होगा, देखिए, जो लोग मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं है ना, कनेक्शन लिस्ट में, उन्हीं लोगों के प्रोफाइल दिखाइए, दिखाएगा। ठीक है, उन्हीं लोगों के प्रोफाइल आपको दिखाएगा, है ना। अब उसके बाद देखिए, करेंट कंपनी, यहाँ पे कोई भी कंपनी अगर आपको सर्च करना है, तो कंपनी के भी सर्च कर सकते हो यहाँ से। राइट, आपको इतना स्पेसिफिक देता है यहाँ पे, देखिए, लोकेशन, लोकेशन अगर सर्च करना है, तो कोई भी लोकेशन यहाँ पे सर्च करिए, सो रिजल्ट पे, लाइक मान के चलो महाराष्ट्र, सर्च रिजल्ट, आपको महाराष्ट्र के लोग दिखना शुरू हो जाएंगे। राइट, तो इस तरीके से देखिए, थर्ड डिग्री कनेक्शन है ना, कंपनीज को मैंने सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ पे और कुछ फिल्टर्स वगैरह है, जिसको आप यूज कर सकते हो यहाँ से, है ना, इसको जस्ट सेलेक्ट करिए। स्कूल है, इंडस्ट्री है ना, और कॉन्टेक्ट इंटरेस्ट है ना, और सर्विस है, मतलब काफी सारी चीजें हैं, जिससे आप इसको मतलब अच्छे से पूरी तरह क्लियर देख सकते हो, है ना। तो ये चीजें है, इसका बेनिफिट है। ठीक है, अभी तो मैंने जस्ट आपको बताया IIT स्टूडेंट, मैंने क्या कहा यार, हमें अपने जैसे लोग चाहिए। अगर मैं बड़े लोगों को, लाइक कोई प्रोफेसर है, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, उन लोगों को अप्रोच करूंगा, तो आने वाले नहीं है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, उनको हैंडल करना शायद मेरे बस की बात ना हो। राइट, मैंने क्या किया, स्टूडेंट पे टारगेट किया, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैंने क्या किया, IIT NIT वाले स्टूडेंट को सर्च किया। क्यों, क्योंकि IIT NIT MBA ये जो स्टूडेंट होते हैं ना, ऑलरेडी बिजनेस माइंडेड होते हैं, और आपको अपने जैसे बिजनेस माइंडेड पर्सन चाहिए, तो आपको मिलेगा कहाँ से, यहीं से मिलेगा। तो इसी चीजों को सर्च करिए। आपको क्या सर्च करना है, IIT स्टूडेंट्स, है ना, NIT स्टूडेंट्स, MBA स्टूडेंट्स,
इन सब चीजों को सर्च करिए ना, तो यहाँ से लोग आपके काम के मिलेंगे। अब एक सबसे बड़ी चीज है, आप इसको देखिएगा, आपको इतना बेहतरीन मजा आ जाएगा इसमें, देखिएगा है ना। अभी दिखाता हूँ, ओके, ओपन टू वर्क, ओपन टू वर्क, राइट। अब देखिएगा क्या सर्च होता है, ये क्या है, एक ओपन टू वर्क मैंने सर्च किया, ठीक है। ओपन टू वर्क दैट मीन्स कि वो खाली है, उनको काम की तलाश है, ऐसे लोगों के प्रोफाइल दिखना शुरू हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, जो खाली लोग हैं उनको हमें अपॉर्चुनिटी देना है ना। देखिए ओपन टू वर्क हर एक के प्रोफाइल में है, उन लोगों के प्रोफाइल यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। मैंने पीपल पे क्लिक नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए उन लोगों के प्रोफाइल दिखना शुरू होगा। आप इन लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट डालिए ना, यहाँ से कनेक्शन सेंड कर दीजिए। अब जैसे एक्सेप्ट करते हैं ना, आप उनको मैसेज कर सकते हो कि आई हैव अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इफ यू आर इंटरेस्टेड आई वांट टू शेयर विद यू, सिंपल। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रोफाइल में ऑलरेडी लिख दिया है, यार देखो ऑलरेडी लिख दिया है कि ओपन इन ओपन टू वर्क, राइट। वो ऑलरेडी मतलब अभी फ्री है, कुछ काम की तलाश कर रही है, कर रहा है जो भी, तो उनको आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। तो सिंपल आप जाके कॉन्फिडेंटली उनको बोल सकते हो कि आई हैव अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इफ यू आर इंटरेस्टेड आई वांट टू शेयर विद यू, सिंपल, राइट। तो वो डेफिनेटली आपको रिप्लाई देगा कि यार श्योर, बताइए क्या है ना। तो आपको ऐसे काम करना है ना, मतलब ऐसा कि रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना है ना। तो ये ओपन टू वर्क वाले ऐसे सर्च करिए, यहाँ पे कनेक्शन पे जाइए, थर्ड कनेक्शन पे क्लिक करिए, सो रिजल्ट, उसके बाद लोगों को कनेक्शन मतलब कनेक्शन रिक्वेस्ट दीजिए, इन्विटेशन दीजिए यहाँ से, ठीक है। ये है ना, तो ऐसे आपको इन्विटेशन देना है, ओके। अब और चीजें कुछ दिखा रहा हूँ मैं, अभी इतना स्पेसिफिक बताऊंगा इसको आप लोग सोच भी नहीं सकते। पहला तो था, अब दूसरा देखिए, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, सिंपल मैंने सर्च किया है ना। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को कुछ और चीजें, पीपल पे मैंने क्लिक किया। अभी देखिए जितने भी लोग हैं ना जिनका प्रोफाइल दिख रहा है, सबके सब लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी दैट मीन्स कि इन लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, लोगों को अपॉर्चुनिटी ही तो दे रहे हो ना। तो यार ऐसा करो ना, स्पेसिफिकली लेके जाओ इन सब चीजों को कि है ना, मतलब हमें जिन लोगों की जरूरत है उन्हीं लोगों को आप अप्रोच करो ना, बाकी लोगों को छोड़ दो, कोई मतलब का नहीं है, है ना। तो हमें क्या करना है, स्पेसिफिकली काम करना है जो लोग ऐसे हैं ना, लाइक जैसे कि लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी है ना, ओपन टू वर्क है ना, तो इन लोगों को आप टारगेट करिए, यहाँ के लोगों को कॉन्टेक्ट करिए, सिंपल कनेक्शन रिक्वेस्ट डालिए, उन लोगों से कम्युनिकेट करिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, है ना। उसके बाद आप एक चीज और देखिएगा, अभी इसको और स्पेसिफिक करता हूँ, मैंने क्या कहा पहले, स्टूडेंट और अपॉर्चुनिटी वाले, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, ओपन टू वर्क। अब इसको स्पेसिफिक कैसे करता हूँ उसको देखिए, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी इन सेल्स, इन सेल्स है ना, इन सेल्स। अब देखिए पता है लोगों को सेल्स और मार्केटिंग से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो यार आप लोग उन लोगों को क्यों अप्रोच कर रहे हो जिनको सेल्स और मार्केटिंग से प्रॉब्लम है, उन लोगों को अप्रोच करो जिन लोगों को सेल्स और मार्केटिंग से प्यार है, राइट। मतलब ऐसा कि उन लोगों को ऑलरेडी पता है भाई कि सेल्स और मार्केटिंग का जो ये फील्ड है वो क्या है, उससे हमें क्या मिलने वाला है ना। तो उन लोगों को तो पता है, तो आपके साथ डेफिनेटली करेगा अगर आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी सही है, उनको अच्छा लगता है। आपको क्या करना है, देखिए सेल्स और अपॉर्चुनिटी मतलब वेट है ना, थर्ड डिग्री कनेक्शन पे जाते हैं, वेट, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक्टिवली लुकिंग फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी है ना, और यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं पे शो किया है सेल्स का, राइट। देखिए यहाँ पे सेल्स इन्होंने डाला हुआ है, सेल्स एंड मार्केटिंग। आपको क्या करना है, सेल्स और मार्केटिंग के रिगार्डिंग ही पर्सन चाहिए ना, मैसेज कर दीजिए डायरेक्ट, वो तो ऑलरेडी मेरे कनेक्शन में है, डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए कि आई हैव अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड आई वांट टू शेयर विद यू, सिंपल है यार, वो आपको अच्छा रिप्लाई देगा। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना एजुकेटेड है, उन लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं, कुछ ना कुछ जेन्युइनली वर्क कर रहे हैं, राइट। तो आपको ऐसे करना है। अब एक चीज और मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ, ठीक है इसको, राइट। सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग सर्च करिए। अब आपको क्या मिलेगा, जो भी प्रोफाइल मिलेगा ना पूरी तरह सेल्स और मार्केटिंग के से रिलेटेड होंगे, मतलब ऐसे पर्सन जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे थे बट वो अभी खाली है, मतलब वर्क की तलाश कर रहे हैं, तो उन लोगों को आप कनेक्शन रिक्वेस्ट डालिए, उन लोगों को मैसेज करिए, अब उन लोगों से आप कम्युनिकेट करिए। तो यार और इसको और स्पेसिफिक करूंगा, ठीक है, ये तो ऐसा है, ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो। उसके बाद मैं कुछ और चीजें दिखाता हूँ, है ना, जैसे कि मैंने अभी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को इस चीज अभी सर्च किया ना, ओपन टू वर्क, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। अब देखिए यहाँ पे ओपन टू वर्क, ठीक है,
ओपन टू वर्क. ओके जस्ट वेट, सर्च करिए. ठीक, अभी सर्च करके मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूँ. यहाँ पे एक और चीज है ग्रुप. यहाँ पे ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे जो लोग है ना ओपन टू वर्क, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो लोग है वो कहीं ना कहीं यार बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, वही लोग इस ग्रुप को ज्वाइन किए. तो आपको उस ग्रुप को ज्वाइन करना है और फिर वहां पर ऐसे पोस्ट वगैरह करना है आपको, राइट. ये चीजें और स्पेसिफिक हो जाता है जब मतलब इसको ऐसे लिखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा ओपन टू वर्क है ना, अब इसको मैंने लिखा इन मार्केटिंग, इन मार्केटिंग. ठीक है, मार्केटिंग मैंने लिखा. ओके जस्ट वेट, ये मार्केटिंग मैंने लिखा. तो ये और स्पेसिफिक हो जाएगा कि अब मार्केटिंग और सेल्स से रिलेटेड जो पर्सन है ना उन्हीं लोगों से आपको कांटेक्ट करना है और वहीं लोगों को आपको अप्रोच करना है. तो यहाँ पे क्या होगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, है ना. अब मैं कुछ चीजें आपको डायरेक्ट मैसेंजर पे लेके दिखाता हूँ, जस्ट वेट, है ना. ये है मैसेंजर, यहाँ से आप मैसेज करते हो. ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो मैसेंजर है ना, इसमें आप कुछ कम्युनिकेट कैसे करना है इसको देखिए. अगर कोई पर्सन कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस मैन है, राइट, मतलब आपसे कई ज्यादा सीनियर है और उनका मतलब ऐसा है कि आप उनको डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, तो उनको किस तरीके से अप्रोच करना है उसको देखिए. एक पर्सन है ये, ठीक है. मैंने इनको किस तरीके से, अभी मैंने इनसे आगे कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है. देखिए मैंने क्या किया था, हेलो सर, होप यू आर डूइंग वेल. ऑलरेडी मुझे पता है कि ये जो पर्सन है वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ बड़ा कर रहा है. देखिए इनका, देखिए अपना एक्टिवली लुकिंग फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटी इन सेल्स, और इनका एज देखिएगा आप, अप्रोक्स होगा 40 प्लस का. मैंने इनको कैसे अप्रोच किया, मतलब अभी तो पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ आपको. ठीक है, देखिए इन्होंने अपना बताया कि ये सीईओ है ना. फिर मैंने क्या कहा इनको, डायरेक्ट हिट नहीं किया, मैंने कहा कि सर मैं भी इस फील्ड में अभी बिगिनर हूँ और मैं सीखना चाहता हूँ, अगर आप मेरी हेल्प करो. तो ये पर्सन मुझे सेल्स और मार्केटिंग, यार मुझे क्या सीखना है, अगर ये बंदा मुझे सिखा सकता है, इतने एज का है, डेफिनेटली इतना सीनियर है कि मुझे काफी कुछ सिखा सकता है, मेरे बिजनेस में आया ना आया डजंट मैटर, बट मुझे सिखा तो सकता है अगर वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट में आ गया तो सीख लो ना उनसे. सीखोगे तो उन्हीं के स्ट्रैटेजी से और काफी सारे लोगों को आप वहां पे अप्रोच कर सकते हो, तो और अच्छा रिजल्ट आएगा. आपको क्या करना है, ऐसे लोगों को इस तरीके से अप्रोच करिए. डायरेक्ट अप्रोच करोगे ना तो ऐसा है कि आपको खुद शर्म महसूस होगा कि यार आप एक छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल के लोगों को अप्रोच कर रहे हो, लेकिन आप इस मेंटेलिटी के साथ जा रहे हो ना, इनसे मुझे सीखना है, वो ऑलरेडी सेल्स और मार्केटिंग में बहुत एक्सपीरियंस होगा. मैंने उनसे क्या करा, सिंपल सीखने के माइंडसेट से गया, राइट. तो मैंने क्या किया, मतलब जैसे भी वो कम्युनिकेट किया है ना, ऐसे में क्या हुआ, मेरा भी डर खत्म हो गया कि यार क्या बोलते हैं ना, अदरवाइज डायरेक्ट मैं बोलता कि सर मेरे पास एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप करोगे क्या, सिंपल मुंह में बोल देते कि मना कर देते है ना, कि क्या बकवास कर रहे हो. बट मैंने क्या किया, थोड़ा अलग तरीके से, मुझे मतलब ऐसा नहीं कि उसको अपने बिजनेस में लाने के ऐसा कोई माइंडसेट नहीं है, ठीक है. अभी यहाँ पे दिखाता हूँ कुछ और चीजें, राइट. मैं आप लोगों को यहीं पे चैटिंग पे ही कुछ चीजें दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से और क्लियर होगा, राइट. जस्ट वेट, देखिए ये एक सर है, ठीक है. इनसे मैंने अभी जस्ट 2 ही दिन हुए मुझे कम्युनिकेट करते, कल नाइट में ही किया था मैंने, ठीक है. कल नाइट में इनसे कम्युनिकेट किया था मैंने. देखिए, हेलो सर, आर यू अ सेल्स एक्सपर्ट. इनके प्रोफाइल को देखिए, इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, जस्ट वेट, यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा, एक्टिवली लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी इन सेल्स. ये भी सेल्स से रिलेटेड ही है. मैंने क्या कहा, मैसेज कैसे किया देख लीजिए, मैंने क्या कहा है, सेल्स एक्सपर्ट, सर आर यू अ सेल्स एक्सपर्ट. मैंने सिंपल उनसे पूछ लिया कि आप सेल्स एक्सपर्ट हो क्या. अब वो जो भी बोल रहा है अपना, है ना, वो जो भी बोला मैंने सुन लिया, उसके बाद मैंने जो भी कम्युनिकेशन किया, अब मैंने उनको हल्का सा पिच किया, क्योंकि मैंने उनका प्रोफाइल देख लिया कि ये कहीं ना कहीं मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा है. मैंने हल्का सा पिच किया कि सर इफ यू डोंट माइंड आई हैव अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इफ यू आर इंटरेस्टेड. सिंपल सा मैंने उनको मैसेज किया, वो पर्सन डेफिनेटली मुझे रिप्लाई दिया यार, डेफिनेटली. फिर मैंने जो भी कम्युनिकेशन किया, मैंने कहा सर क्या मैं आपको वीडियो शेयर करूं, क्योंकि लिंक्डइन पे ना लोग अपना नंबर जल्दी देते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो आपको नंबर देंगे तो आप उनको कॉल करके परेशान करोगे. मैं क्या किया, उनसे नंबर नहीं लिया, उनको सिंपल वीडियो वहां पे सेंड कर दिया, जो भी कम्युनिकेशन हुआ. उसके बाद मैंने मैसेज किया है कि सर कैन आई टॉक टू यू ऑन कॉल, है ना. तो उन्होंने अभी तक सीन नहीं किया, मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, वो जैसे ही देखेंगे उन्होंने कहा एनी टाइम आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, है ना. तो मैं जब भी वो देखेंगे ऑनलाइन आएंगे मैं उनसे बात करूंगा डेफिनेटली. और अगर वो इस बिजनेस को समझ गया है तो मेरे साथ आ गया, तो सोचिए मुझे कितना बेनिफिट होगा. मतलब उनको तो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वो ऑलरेडी सेल्स एक्सपर्ट है, बट मुझे भी तो होगा ऐसा कि वो मेरे साथ काम कर रहा है तो मुझे काफी कुछ सिखाएगा भी, राइट. तो ये चीजें होता है, ठीक है. अब एक और स्पेशल चीज बताता हूँ आपको, एक स्पेशल चीज आपको दिखाता हूँ, ठीक है.
जस्ट वेट ओके सब हम लग रहा है ओके देखिए ये है शुभम डबराल मेरे फ्रेंड है मतलब मेरे साथ फोरसाज करता है ठीक है इनका प्रोफाइल मैंने देखा था इन्होंने सबसे पहले मुझे खुद से मैसेज किया था मतलब मुझे पता नहीं मैंने इनको शायद इनविटेशन दिया था है ना इन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट किया और उसके बाद इन्होंने अपना मैसेज छोड़ा ये वाला ठीक है इन्होंने अपना जो भी मैसेज छोड़ दिया अब मैंने क्या किया इनके प्रोफाइल पे गया और मैंने यहाँ पे एक चीज देख लिया था कहाँ पे है यहाँ पे आज हटा दिए हैं शायद इन्होंने उस दिन का मैंने बताया था ना दिन हटा दिए यहाँ पे इन्होंने लिखा था फॉर एवर लिविंग राइट फॉर एवर लिविंग मैं गया इनके प्रोफाइल पे मैंने देख लिया कि ये फॉर एवर लिविंग करता है अब मुझे तो पता है फॉर एवर लिविंग क्या है मैंने क्या कहा देखिए मैंने सिंपल कन्वर्सेशन किया उनको बोला कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ इसके बारे में मैंने उनसे चुपचाप मतलब नंबर लिया व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लिया व्हाट्सएप पे गया उन्होंने अपना वीडियो शेयर किया मैंने कहा भाई मुझे पता है इसके बारे में सॉरी मैं नहीं कर सकता इतना बोल के मैंने कम्युनिकेशन खत्म कर दिया अब मेरा चालू हुआ अट्रैक्शन मार्केटिंग स्टेटस के थ्रू व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू अट्रैक्शन मार्केटिंग किया मैंने और ये जो बंदा है मेरे साथ ज्वाइन हो गया राइट आपको क्या करना है अपना होशियारी नहीं दिखाना है सिंपल सी बात है मैं सच बता रहा हूँ हमें अपना होशियारी नहीं दिखाना है जितने मतलब ऐसा है कि जितना कम बोलो और जितना अपने आप को मतलब उनको दिखाओ कि आपको कुछ नॉलेज नहीं है वही बेटर है क्योंकि उनको जितना हो सके उनको बोलने दीजिए है ना तो उनसे होगा क्या जब आप बोलना शुरू करोगे तो वो आपकी बात को गौर से सुनेगा राइट आपको क्या करना है उनकी बातों को ध्यान से सुनिए उनको बोलिए अगर वो बोल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ करना चाहते हो हेल्थ एंड वेलनेस जैसे आ गया है नेटवर्क मार्केटिंग है मुझे तो पता चल जाता है सिंपल सा कि हेल्थ एंड वेलनेस है ना और कुछ भी कोचिंग वगैरह जो भी बोलते हैं बिजनेस कंसल्टेंट ये सब तो मुझे लग जाता है कि ये मतलब कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड है मैं उनको नहीं बोलता हूँ नहीं पूछता हूँ कि आपका कंपनी क्या है मैं उनको बोलता हूँ कि बताइए करना क्या है सिंपली वो मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर देता है व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करता हूँ बाकी कम्युनिकेशन वहां से होता है फिर राइट आपको क्या करना है मतलब एक ऐसा कि कुछ जानते नहीं हो नेटवर्क मार्केटिंग अफिलिएट मार्केटिंग जो भी सिस्टम है उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो इस तरीके से अनोन रहिए मतलब ऐसा है कि उनको बताइए कि आप कुछ नहीं जानते बस और उनसे आप नंबर लीजिए व्हाट्सएप पे आ जाइए बस अब आपको क्या करना है अगर आप जेन्युइनली बिजनेस कर रहे हो तो अगर फ्रॉड कर रहे हो तो ये चीज मत करिएगा इससे काफी नुकसान होगा आपको भी सामने वाले पर्सन को भी राइट तो आपको क्या करना है कुछ चीजें इस तरीके से यूज करना है ठीक है मतलब आप इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग है तो पता है लोग क्या करते हैं ना अपने प्रोफाइल पे वो सारी चीजें मेंशन कर देते हैं कि मैं करता क्या हूँ कुछ लोग पोस्ट भी कर देते हैं जैसे अभी हम दिखा देते हैं कुछ लोग पोस्ट भी कर देते हैं राइट यहाँ पे नहीं है शायद नहीं है शायद यार यहाँ से मैं दिखा देता हूँ वेट मैसेज से है ना आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ तो फिर कुछ ज्यादा ही अच्छा लगेगा है ना अदरवाइज फिर से कोई कंफ्यूजन होगा जैसे एक लड़की है ठीक है इनके प्रोफाइल को मैं आपको लेके चलता हूँ इनके प्रोफाइल पे अरुण जी सॉरी टू इंटरप्ट बट हमारे पास अब कोई सुनिए अरुण जी अगर आप कंप्लीट नहीं हो तो मैं चाहूंगा ना कि आराम से वी विल बी गोइंग ऑन अ मतलब एक नॉर्मल पेस पे जाएंगे कोई सुनिए हां सर जी जी आज अगर कंप्लीट नहीं भी होती है ये काफी अच्छी बात रहेगी कि हम लोग नेक्स्ट टाइम और एक तो पहले समराइज हो जाएगी पीछे के भी एंड आगे कंटिन्यू करेंगे अगर कंटेंट ज्यादा है तो हम लोग अभी स्टॉप करते हैं एंड एट लास्ट सबका हम लोग जो कर या तो मैं अरुण सर को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ exactly जो भी काफी हद तक कंप्लीट हो गया बहुत सही चीज जो टेक्निकल टर्म थे वो सही हो गए राइट अब एग्जैक्टली अरुण सर अरुण सर को मैंने स्टॉप किया बिकॉज़ वी हैव अदर मीटिंग ऑन द सेम ज़ूम मतलब 8 बजे हमारा स्टार्ट होता है सो एग्जैक्टली मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आज एक छोटा सवाल कि कितने लोगों को आज महसूस हुआ कि हमारा बिजनेस हमसे चलता है मींस ये बात नहीं किनको किनको महसूस हुआ आज बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरे को सर मेरी टीम काम नहीं कर रही है वगैरह मतलब बहुत सारी चीजें बोलती है सर मेरी अर्निंग नहीं हो रही वगैरह वगैरह बट मैं कहना यही चाहता हूँ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू जैसा कि अरुण सर की टीम एक्टिवली काम कर रही है बिकॉज अरुण इज वर्किंग एक्टिवली राइट अरुण सर रेगुलर बेसिस वेबिनार लेते हैं मैं भी रेगुलर बेसिस वेबिनार लेता हूँ लाइक दैट आपको भी जो सेल्स का काम है ना जो भी क्वेश्चन करते हैं लोग तो मैं यही कहना चाह रहा था कि मोरल यही है मतलब समराइज में यही कहना चाहता हूँ कि यू हैव टू वर्क फॉर द सिस्टम बिकॉज बिजनेस आप ही से शुरू होता है और आप ही पे खत्म होता है जिस दिन आपने छोड़ा बिजनेस स्टॉप कंटिन्यू तो बिजनेस चलती रहती बिकॉज बिजनेस कभी भी बंद नहीं होता वो चलता ही रहता है तो मेक श्योर आप अपने नॉलेज को जितना इंक्रीज कर सकते हो इंक्रीज करो एंड अपने टीम मेंबर्स को मैं तो चाहता हूँ ईच एंड एवरी पर्सन जैसे कि हम लोग 32 पीपल अभी लास्टली बचे हैं राइट तो 32 के 32 अगर एक एक दिन भी वेबिनार लेते हैं ना तो आई होप वन मंथ ऐसे ही निकल जाएगा एंड 31 32 के पास मैं जनरली बता सकता हूँ ईच वन हैव सम यूनिक
फीचर्स जो कि सबके पास नहीं होगा. तो 32 पीपल अगर एक एक दिन में वेबिनार लेते हैं तो आई होप एक मंथ में चुटकी में निकल जाएगा, उसको बोला जाता है. तो मेक श्योर आप अपने आप को. हाँ या हाँ रोशन जी, मेरा ना जस्ट एक अरुण एक्चुअली लेफ्ट कर गया, एक मिनट अगर अरुण आता तो मैं पूछता कितने लोगों को लगता